दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में, टाटा पावर के बारे में और साथ ही साथ अडानी पावर के बारे में। टाटा पावर जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है, इस तेजी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकल कर आई है और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल कंपेरिजन करूंगा टाटा पावर और अडानी पावर के बारे में। और क्यों मैं हर बार आपको कहता हूं कि टाटा पावर लॉन्ग टर्म का शेयर है और अडानी पावर एक स्विंग ट्रेडिंग का शेयर है। टाटा पावर की बात करी जाए तो यहां पर कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलते हैं। भले ही आपको यहां पर शेयर काफी टाइम से कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिलता है, लेकिन जब भी इसके अंदर ब्रेकआउट बनता है 50 to 100 points का यहां पर आपको गैप अप देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाटा पावर के अंदर आज के दिन तेजी क्यों देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उसने SIDBI के साथ में एक जॉइंट वेंचर साइन किया, यानी कि एक पार्टनरशिप करी है जिसमें कंपनी मिलकर 1000 ग्रीन एनर्जी इंटरप्राइजेस नेशनली फॉर रूरल एंटरप्रेनर्स को सेटअप करने वाली। आप देख सकते हैं टाटा पावर होली ओन सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैव कोलैबोरेटेड टू सेटअप 1000 ग्रीन एनर्जी इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश थ्रू आउट द नेशन अंडर अ जॉइंट इनोवेशन प्रोग्राम। तो यहां पर इस कदम के बाद में टाटा पावर के अंदर काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है, क्योंकि 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करने में टाटा पावर को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना है और ये लॉन्ग टर्म की सेलिब्रेशन आज के दिन हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर टाटा पावर के वॉल्यूम बेस्ड काम को भी एनालिसिस करें तो आज के दिन टाटा पावर के अंदर 1,91,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 50,00,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज भी लगभग 26% के करीबन देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर आप टाटा पावर की ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो यहां पर करंट प्राइस पर काफी अच्छी फ्रेश बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। बात करें टाटा पावर के टेक्निकल लेवल्स के बारे में तो टाटा पावर अभी आपको बहुत ही सही पोजीशंस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस शेयर्स के अंदर भी जैसे ही आपको एक 300 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उसके बाद ये शेयर्स आपको 500 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हमारी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर चीजों को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि टाटा पावर अडानी पावर से कहीं गुना बेटर है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। अडानी पावर के बारे में मैं अडानी पावर को यहां पर बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन यहां पर आप देख पाएंगे कि सेबी की नजर हमेशा इस कंपनी पर रहती है, इस कंपनी नहीं इस ग्रुप पर भी रहती है। अडानी ग्रुप की आज मैक्सिमम कंपनियों के अंदर आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। अडानी पावर की बात कर लें, अडानी पोर्ट की बात कर लें, अडानी विलमार की बात कर लें, अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लें, सभी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। आज के दिन अडानी पावर के अंदर भी आपको 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 50% के रिटर्न्स बनाकर देने के बाद में अब यहां पर लोअर सर्किट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो कैसे मैं आपको टाटा पावर और अडानी पावर के बीच में कंपेरिजन करके बता रहा हूं, क्योंकि आप देख पाएंगे कि जहां टाटा पावर ने पिछले एक महीने ऑलमोस्ट 5 to 10% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वहीं अडानी पावर ने पिछले एक महीने में 48% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको रैली पिक करनी आनी चाहिए, यानी कि अगर आप अडानी पावर के अंदर आज से ठीक एक महीने पहले अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आप ऑलमोस्ट 50% के प्रॉफिट में बैठे होते। तो यहां पर ये एक स्विंग ट्रेडिंग थी जहां पर आपने एट अ राइट टाइम शेयर्स को पिक किया और पूरी ये रैली कंप्लीट होने के बाद में आपने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उसी कहते हैं स्विंग ट्रेड। अडानी पावर के अंदर भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि यहां पर भी देख पाएंगे कि शेयर हमें ASM लिस्ट की लॉन्ग टर्म की स्टेज 4 में अगेन जाता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि सेबी की नजर में ये शेयर हमेशा से बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबल जैसी वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है। कभी इस शेयर्स के अंदर वॉल्यूम 30 lakhs, 40 lakhs पर डे देखने को मिलती है और कभी शेयर्स के अंदर वॉल्यूम्स 3 crore, 4 crore पर डे पर देखने को मिलती है। इसी कारण से यहां पर काफी ज्यादा प्राइस के फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं। एक रीजन को यहां पर कंपेयर करना चाहेंगे, अडानी पावर की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन आई एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के अंदर आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट की वजह जानने की कोशिश करें तो एक्सपर्ट्स की तरफ से माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी कहीं गुना ज्यादा डेप्ट है, यानी कि अगर पूरे अडानी ग्रुप की बात करें तो लगभग 2,00,000 crore से भी ज्यादा का डेप्ट अडानी ग्रुप के ऊपर है और उसमें सिर्फ अडानी पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट 50,000 crore का डेप्ट कंपनी के ऊपर है। तो यहां पर अडानी पावर जो एक्विजिशन कर रहा है ये भी कंपनी अपने डेप्ट को इंक्रीज कर रही है, तो अल्टीमेटली जो यहां पर प्रोग्रेस है कंपनी की वो कहीं ना कहीं
शॉर्ट टर्म में तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वहाँ पर ब्रेक लगते हुए देखने को मिल सकता है। इसी के वाइस वर्सा अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर अपनी पोजीशंस को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, यानी कि अगर टाटा पावर फंड रेजिंग भी कर रही है तो अपने स्टेक को सेल करके कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपने रिसेंटली काफ़ी बड़ी फंड रेजिंग भी टाटा पावर के अंदर देखने को मिली है। तो अब बात करेंगे अडानी पावर और टाटा पावर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस लेवल पर करना है और कहां पर करना है। सबसे पहले अडानी पावर की बात कर लेते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म में अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था तो यहां पर आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपके प्रॉफिट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि आपने जो अपनी कैपिटल लगाई थी उसको आप ऑलरेडी विड्रॉल कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट को आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात हो रही है और बाकी के 50% प्रॉफिट को आप स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कैरी कर सकते हैं। बात करें अडानी पावर के लिए कल के दिन क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है, तो 400 रुपए के लेवल्स को आप ध्यान में लेकर चल सकते हैं। अगर 400 रुपए का लेवल्स ब्रेक होता है तो ये शेयर समय लगभग 350-360 की रेंज में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। अब बात करें टाटा पावर के शेयर होल्डर्स की, तो टाटा पावर के अंदर यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। यहाँ पर बात आती है अगर आप इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मन बना सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी का जब तक आईपीओ निकल कर नहीं आ जाता है, जब तक टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी जो टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी है उसे सेपरेट नहीं कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो भी ग्रोथ हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी उसका सीधा बेनिफिट टाटा पावर को डायरेक्ट मिलेगा। तो यदि आपने टाटा पावर के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आप करंट प्राइस पर 218 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। ये लेवल्स भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हैं। बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टाटा पावर और अडानी पावर के अंदर क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, तो जो लेवल्स आपने डिसाइड की थी उन्हीं लेवल्स को आप फोकस करिए। कंपनी दोनों ही अच्छी है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है आपको। टाटा पावर की बात करें लॉन्ग टर्म में 1000 रुपये तक भी जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है, इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। वहीं अगर अडानी पावर की बात करें तो सिर्फ थर्मल पावर बेस्ड के ऊपर ये कंपनी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर बेस्ड कंपनी है, तो वो कंपनी भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अडानी पावर के अंदर गिरावट और भी हमें देखने को मिल सकती है, तो आपको मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक आप ही के अपने टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर जो अपडेट आपके साथ शेयर करी जा रही है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अडानी पावर टाटा पावर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।